शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, नीम गर्म दूध में रोज़ एक चम्मच देसी घी का डालकर पीने से कमर दर्द कभी नहीं होता। आंखें पीली नजर आने लगी तो दूध में गूंद कतेरा डालकर पी लो, आँखें सफ़ेद हो जाएंगी। दो छोटे मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शदाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। सुबह के वक्त झाड़ू लगाने से मसल्स मजबूत होते हैं। नाजरीन, अगर पेशाब खुलकर ना आता हो तो नहार मुँह एक माल्टा खाया करो। अगर जकाम की वजह से नाक बंद हो गया है तो सवैयाँ पकाकर इनकी भाप लेने से नाक खुल जाता है। नाजरीन, खट्टी चीज़ें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। घी वाली रोटी खाने से रोटी जल्दी हजम नहीं होती। मछली पकाने से एक घंटा पहले अगर नमक और लींबू लगाकर रख दें तो मछली की बदबू ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, छोटे बच्चे को पत्ती के बिना दूध पिलाएं। पत्ती वाला दूध पिलाने से मैदा ख़राब हो जाता है। पानी में नमक डालकर पीने से कब्ज़ खुल जाती है। लाल मिर्च जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन दुआ है। नाजरीन, सूखी खांसी हो तो शलजम खाने से आराम मिलता है। नाजरीन, नहार मुँह एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। केला हड्डियों को कमज़ोर होने नहीं देता। नहार मुँह बच्चे को शहद चटाने से बच्चा सेहतमंद और तवाना हो जाता है। छिलके समेत आम खाने से बाँझपन की बीमारी दूर हो जाती है। जिनको सांस फूलने का मसला है वो आड़ू खा लिया करें, ये बीमारी दूर हो जाएगी। पेशाब के कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को मुंह में डालकर चबा लिया करो। जिस औरत के कान के पीछे ज़्यादा बाल हों ऐसी औरत ज़्यादा बदकिस्मत होती है। नाजरीन, इमली का जूस बनाकर पीने से चेहरे पर गर्मी का असर नहीं पड़ेगा। गन्ने का रस पीने से हाथ पांव काले नहीं होते। नाजरीन, शाम के वक्त प्याज खाने से बुखार हो जाता है। खरबूजा खाने से शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से कैंसर की बीमारी हो जाती है। नाजरीन, जिनका मैदा कमज़ोर हो बड़े जानवर का गोश्त ना खाया करें। पेशाब पीला आता है तो लहसुन के जुए पर शहद लगाकर खा लो। कड़वे बादाम कभी मत खाओ, इससे आंखों की बिनाई कम होने का खदशा है। नाजरीन, ज़्यादा पानी पीना अकल में इजाफा करता है, गुस्से को ठंडा करता है और कड़वाहट को ख़त्म करता है। नाजरीन, सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से बचाता है और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। ख़ारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी के अंदर फटकरी मिलाकर लगाओ, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी की बीमारी लग जाती है। नाजरीन, केले को दूसरे फलों से ज़रा दूर रखें क्योंकि ये दूसरे फलों को भी ख़राब करता है। अगर आप अपने बालों को काले और लंबे रखना चाहते हैं तो बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाएं। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करने से गरीबी नहीं आएगी। नाजरीन, सेब खा लिया करो, ये खून को जमने नहीं देता। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर होते हैं इनको अंधेरे में खौफ आता है। नाजरीन, जो लोग मिट्टी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको कोई बीमारी नहीं लगती। दांत में या दाल में दर्द हो तो चुटकी भर मीठा सोडा और चुटकी भर सफ़ेद नमक मिक्स कर लें और मुतासर जगह पर मल दें, अफाका होगा। मुंह खोलकर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। जिस औरत की टांगों पर ज़्यादा बाल हो ऐसी औरत बेटी को जन्म देती है। नाजरीन, नाखन पर जैतून का तेल लगाने से याददाश्त तेज़ हो जाती है, जोड़ और घुटने मजबूत हो जाते हैं। नाजरीन, पानी पीने के दौरान लींबू चाट लेने से लटका हुआ पेट अंदर चला जाता है। ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे के जल्द फट सकती है। काजू खाने से नज़र तेज़ और अकल बढ़ती है। नाजरीन,
शहद में अनार डालकर खाने से जिस्म की ताकत बढ़ जाती है। नाजरीन, रात के वक्त मूंगफली खाने से ग्रेज करें वरना काली खांसी घेर लेगी। बदन की रग रग में कुआ डालना चाहते हैं तो जब भूख लगे तो हमेशा तब खाओ। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अगर सर के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे तो मछली खा लिया करो। सुबह उठकर नाश्ता वक्त पर कर लिया करो, इससे बढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। गरम गरम चाय पीने से दांतों पर निशान पड़ जाते हैं, दांत पीले होने लग जाते हैं। नाजरीन, ज़बान पर नीले रंग की लाइन गुर्दे में पथरी की अलामत है। घर में मकड़ी जाला बना दे तो घर में रिज़्क की तंगी होने की अलामत है। नाजरीन, खाने को तेज़ी से निगल जाना और अच्छी तरह से चबा कर ना खाने से पेट फूल जाता है। जो लोग रोटी तेज़ी से खाते हैं इनमें दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। औरत ज़्यादा शोक रंग के कपड़े पहनती है, इसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। नाजरीन, बाथरूम में कंघा करने वाले लोगों को बाल बेरौनक से हो जाते हैं। कोई मीठी चीज़ या चावल खाने के बाद ठंडा पानी पीने से गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नाजरीन, कान में दर्द रहता हो या कान में पानी चला जाए, दवा इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ उल्टे पाँव चलने से पानी निकल जाएगा। आप लोग जैतून या रोगने गुल सफ़ेद अंडा हम वजन लेकर मिक्स करें और कान में चंद कतरे डाल दें, कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, अदरक महफूज करने के लिए इसे रेत या मिट्टी में दबा दें और पानी का छींटा देती रहें, इस तरह अदरक खुशक नहीं होगी। नाजरीन, तीन घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। पहला वो घर जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द से ऊंची हो जाए, इस घर पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं। दूसरा घर जिसमें किसी का मारा हुआ पैसा जमा हो और इसी पैसे से रोशनी और तकब्बर हो। और तीसरा वो घर जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद ना हो, इस घरों की नमाजों का हिसाब फरिश्ते नहीं लिखते। नाजरीन, या मालिक को 90 बार जो गरीब नचार रोज़ाना पड़ेगा इंशाल्लाह गुरबत से निजात पाएगा। नाजरीन, अगर बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो रोज़ाना एक चुकंदर उबाल कर खाएं। इसमें मौजूद अज्जा ना सिर्फ वज़न में कमी लाते हैं बल्कि इसमें फलाद बाल गिरने से रोकता है और इसके इस्तेमाल से रंगत भी निखर जाती है और चेहरे की झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। नाजरीन, हू अल्लाहु रहीमीन जो हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह शैतान के शर से बचा रहेगा। अगर बनाई कमज़ोर हो जाए तो 4 बादाम, 1 चुटकी सौंफ सोते वक्त रोज़ाना खाने से आपकी नज़र ठीक हो जाएगी। नाजरीन, बालों में खूबसूरती और चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद एक मग पानी में 1 लीमू का रस मिलाकर सर में डालने से बालों का रूखापन, सिकरी और खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, दही में चीनी डालकर खाने से डिप्रेशन की बीमारी ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, सख्त गर्मी में गोश्त के इस्तेमाल से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। नाजरीन, ज़्यादा सब्ज़ी का सालन खाने से बदन में खूबसूरती बढ़ती है। अपना मसला किसी दूसरे के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। नाजरीन, ब्लड प्रेशर का मसला हो तो इलायची के दाने निकाल कर खा लो। शहतूत के पत्ते चबाने से मुंह की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। नाजरीन, फालसा खाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। अनार के छिलके चबाने से खांसी ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, दूध गर्म करके इसमें खजूर डालकर खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। नाजरीन,
उबले हुए आलू पर नमक लगाकर खाने से नाखून मजबूत हो जाते हैं। खरबूजे का छिलका सालन में डालने से सालन जल्दी पक जाता है। काली मिर्च पर शहद लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। नाजरीन, खरबूजे पर नमक लगाकर खाने से मैदा साफ हो जाता है। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम्हें कबूलियत का यकीन रखा करो, और जान रखो क्योंकि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। नाजरीन, नारियल का पानी पीने से सुस्ती ख़त्म हो जाती है। बार बार पेशाब तंग करता हो तो स्टील के चम्मच में शहद सेब का सिरका मिलाकर पी लो। नारियल का पानी और टूथपेस्ट मिलाकर सर पर लगाने से बाल उगाते हैं। नाजरीन, केकर के लकड़ी के मिसवाक करने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। नहार मुँह अदरक का रस पीने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। दिमागी सेहत को बेहतरीन बनाना है तो कद्दू के बीज खा लिया करो। जिस औरत की गर्दन पर बाल हों ऐसी औरत अक्सर बीमार रहती है। अगर हमेशा खारिश और एलर्जी से बचे रहना चाहते हैं तो बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। नाजरीन, दूध के अंदर रोटी को डुबोकर खा लिया करो, इससे बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।